हाय दोस्तों। सो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी सब्जेक्ट में CS के कोई भी अमेंडमेंट्स होते हैं, सो ICSI उसे गाइडलाइंस के फॉर्म में बेसिकली अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। सो आप ये सारे के सारे चेंजेस जो एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं, वो गाइडलाइंस फॉर से फॉर एग्जाम्पल गाइडलाइंस फॉर जून 2020, इस तरीके से आपको सारे के सारे चेंजेस देख पाते हैं। तो इस बार भी जब मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो मैं पढ़ाता हूँ उनके जब मैं अमेंडमेंट्स देख रहा था, तो कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज़ के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने देखा कि वहाँ पर इंस्टीट्यूट ने सिंपली एक पेज में लिख दिया है कि भाई फॉर जून 2020 फॉर दीज टू सब्जेक्ट्स कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आई वॉज काइंड ऑफ रिलीव्ड और ऑब्वियसली सो वर द स्टूडेंट्स कि भाई चलो ठीक है, थैंकफुली बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में कोई चेंज नहीं था। बट जहाँ तक मेरा नॉलेज था, मुझे हमेशा से पता था कि यार जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं बिकॉज ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो सर्टनली कुछ चेंजेस ऐसे थे जो नोटिफाई नहीं हुए थे पहले, सो वो ऑब्वियसली जून 20 के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए थे कायदे से। मैं जिस स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा रहा था और स्टडी मटेरियल सेक्शन में मैंने देखा कि दो स्टडी मटेरियल हर सब्जेक्ट के इंस्टीट्यूट ने अपलोड किए हैं, एक विच इज़ देयर फॉर दिसंबर 2019 एंड सेकेंड विच इज़ फॉर जून 2020। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब मैंने दोनों मॉड्यूल्स ओपन किए तो मैं शॉक में आ गया कि एज़ कम्पेयर टू दिसंबर 2019 जो जून 20 का मॉड्यूल था आपका, उसमें करीब 86 पेजेस इन्होंने ऐड कर दिए। सो मैंने बस ऐसे ही रैंडमली फटाफट ये देखना स्टार्ट किया कि एक बार चेक करते कहाँ कहाँ चेंजेस हैं। अब जैसे सुपीरियर वोटिंग राइट्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी जगह काफ़ी सारे सेक्शंस को एक्चुअली में चेंज कर दिया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में चेंजेस थे, ऐसे काफ़ी सारे बड़े छोटे चेंजेस एक्चुअली उस मॉड्यूल में थे। अब आप एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, स्टूडेंट जनरली क्या करता है, ऑब्वियसली उसके पास जो मॉड्यूल है जिस फैकल्टी के नोट्स वो पढ़ रहा है उसके अलावा वो सिर्फ उस सेक्शन में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि भाई कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से चेंजेस हैं, एंड ही इज़ डन। जब उसने देखा कि कंपनी लॉ सिक्योरिटीज़ में कोई चेंज नहीं है तो ही इज़ प्रेटी हैप्पी। बट जब आप ये मॉड्यूल कंपेयर करने जाओगे, जो आई एम श्योर स्टूडेंट्स ने इग्नोर किया होगा, और उसमें उनकी गलती नहीं है बिकॉज वो ऑब्वियसली जहाँ पर चेंजेस होते हैं वो देखते हैं, और वहाँ पर इंस्टीट्यूट ने क्लियरली लिख दिया कि भाई इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और आपने पूरा एक नया मॉड्यूल रिवाइज करके दे दिया स्टूडेंट्स के लिए, और आप अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट वो पूरे के पूरे दोनों मॉड्यूल्स बैठ के एग्जाम से 2 महीने पहले कंपेयर करेगा। फरवरी 2020 में ICSI ने मॉड्यूल्स अपलोड किए, हम लोग हमारी प्री एग्जाम देते हैं फेब में, और अगर प्री एग्जाम आप क्लियर ना कर पाओ तो आप एलिजिबल नहीं हो जून 2020 अटेम्प्ट देने के लिए, राइट? सो प्री एग्जाम जो थी आपने पुराने पोर्शन के हिसाब से दी होगी, विच इज़ फेयर ऑल्सो कि ठीक है, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा इतना सब कुछ पढ़ लेगा। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर स्टूडेंट भारत का अब दिसंबर 19 का मॉड्यूल लेगा, फिर जून 20 का मॉड्यूल लेगा और उन दोनों मॉड्यूल्स को कंपेयर करेगा, और उसके बाद वो चेंजेस ढूंढेगा और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करेगा? मतलब आपको लगता है किसी स्टूडेंट के पास इतना टाइम है? और फॉरगेट अबाउट टाइम, उसे 8 सब्जेक्ट्स 9 सब्जेक्ट्स मैनेज करने हैं, मतलब प्रैक्टिकली ही विल बी मेंटली हैरेस्ड अगर इफ इज मेड टू डू सो। एज अ टीचर आई कंसिडर दैट एज माई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये चीज़ करनी है स्टूडेंट्स के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली है पूरी की पूरी, उनके लिए मुझे करना है, मेरे लाइफ बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मुझे करना है। तो मैं जब वो मॉड्यूल खोलने बैठा, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं पिछले 8 दिन से उसके ऊपर वो सारे के सारे मैं दोनों मॉड्यूल्स पढ़ के उसमें से चेंजेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अब सिक्योरिटीज में भी सेम प्रॉब्लम, उसमें 50 पेजेस इन्होंने ऐड कर दिए और करीब 7 रेगुलेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर एक्चुअली में चेंजेस आए हैं। क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर स्टूडेंट दोनों मॉड्यूल्स कंपेयर करेगा? क्या हम लोग इसको बहुत सिंपली इस तरीके से नहीं कर सकते थे कि जैसे अपने बाकी सब्जेक्ट्स के सप्लीमेंट दिए हैं वैसे ही आप कंपनी लॉ सिक्योरिटीज़ के सप्लीमेंट्स देते थे? बिकॉज जब आप मॉड्यूल चेंज करते हो, अगर दिसंबर 2019 के मॉड्यूल में आपने मतलब चेंजेस अप्लाई किए हैं, उसके अंदर अगर आपने चेंजेस किए हैं, सो बहुत ऑब्वियस ही बात है आपके पास चेंजेस की लिस्ट अलग से होगी। तो बस आपको क्या करना था, वो चेंजेस की लिस्ट एज इट इज सप्लीमेंट के फॉर्म में वेबसाइट पर डालनी थी। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक्चुअली उन सब स्टूडेंट्स का ध्यान मैं चाहता हूँ, जो ये जाने कि कंपनी लॉ सिक्योरिटीज़ में CS एग्जीक्यूटिव के चेंजेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंप्रेशन में है कि कोई चेंजेस नहीं है, उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ वो सेक्शन देखा जिसमें कोई चेंजेस नहीं थे एंड दे बिलीव्ड दैट। बट अनफॉर्चुनेटली ICSI हैज़ मेड चेंजेस टू दीज टू सब्जेक्ट्स। सो मेरी जेन्युइन और बहुत सिंसियर रिक्वेस्ट पूरे ICSI बोर्ड से, जो ये मॉड्यूल्स बनाते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, कि आप अगर एक नया मॉड्यूल दे सकते हैं, अगर आप वो क्षमता है आपके अंदर, तो फिर सिर्फ वो सप्लीमेंट देने में क्या दिक्कत थी? मतलब इट इज़ सो सिंपल कि अगर मैं आज मेरा नंबर 8 है
और अगर मैं 10 पर हूँ तो मैंने उसमें 2 ऐड किया, तो बस वो 2 मुझे अलग से बताना था और वो स्टूडेंट का काम बहुत आसान हो जाता अगर आप ऐसा कर देते, लेकिन आपने नहीं किया एंड मैं इसका रीज़न ही नहीं समझ पाया। तो प्लीज़ मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि आप दोनों सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स देखें। खैर मैंने कंपनी लॉ के अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपने इसके यस अकेडमी के चैनल पर डाले हैं और सिक्योरिटीज़ के मैं ड्यू कोर्स में डालने वाला हूँ, सो आप प्लीज़ वो लेक्चर्स देखें, मतलब वो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनफॉर्चुनेटली ICSI उन चेंजेस से क्वेश्चंस पूछती है, मतलब हर बार अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आते हैं आपके अटेम्प्ट में। एंड सेकेंडली ICSI से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एटलीस्ट आप स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो मॉड्यूल्स कंपेयर करेंगे एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पहले, एटलीस्ट आप उसे सप्लीमेंट के फॉर्म में दे सकते हैं। सो प्लीज़ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चेंजेस हो, मेरी आपसे बिल्कुल सिंसियर रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप उसे सप्लीमेंट के फॉर्म में अलग से दें, प्लीज़ बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है। मतलब मैं जानता हूँ कि मैं कितने दिन मैं ठीक से सो नहीं पाया जस्ट बिकॉज मैं चेंजेस ढूंढ रहा था, और पूरा दिन निकल जाता है यार ये सब ढूंढने के लिए, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो अगर आप सिर्फ उसको एक सप्लीमेंट के फॉर्म में दे देते ना, तो फॉरगेट अबाउट माय एफर्ट्स, एटलीस्ट स्टूडेंट्स के एफर्ट्स कम हो जाते हैं जिससे शायद उनके रिजल्ट्स बेटर हो सकते थे। और प्रॉबेबली कोई स्टूडेंट ऐसा है जो शायद 1 मार्क 2 मार्क से अटक गया बिकॉज ऑफ दोज चेंजेस, एटलीस्ट वो पास हो जाता। सो आपको ये सब सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि सप्लीमेंट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।